बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ हो चुका है हमारा सेहरी टाइम। आज बनाया हमारी सेहरी में आलू कीमा मटर का सालन और मज़ेदार से रोटी और पराठे। अम्मी ने ला के दही रख दिया है कि थोड़ा सा दही खा लिया करो, अच्छी बात होती है, बुरा नहीं होता दही खाना। हमें सेहरी के टाइम पे दही ज़्यादा पसंद नहीं है। तो अब हो चुका है यहाँ पे फजर की नमाज़ का टाइम, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम सबक पढ़ेंगे और तस्बीहात पढ़ेंगे और फिर जाके हम सो जाएंगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ हो चुका है टुडे मॉर्निंग का टाइम, और खैर मॉर्निंग तो नहीं हो रही, यहाँ पे तकरीबन 3 बजे का टाइम है। और सुबह के टाइम में मैं उठी थी 12-12:30 बजे के करीब। बेबी के लिए मैंने नाश्ता बनाया, उसके बाद जोहर का टाइम था, नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने मशीन जो है ना सिलाई मशीन उठाई, और रात को जो थोड़े बहुत कपड़े बच चुके थे उसे मैंने कंप्लीट किया। अभी 3 बजे का टाइम है और आज है 14वां रोज़ा। मेरी तरफ से आप सभी को 14वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। रूह अफ़ज़ा बड़ी बोतल से मैंने निकाल के छोटी बोतल में डाल दिया है, क्योंकि बड़ी बोतल बार बार मेरे लिए उठाना थोड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पे डेली की तरह शरबत बनाया, और ये पता नहीं क्या हो गया मुझसे कि चीनी वाला स्पून भी मैंने डाल दिया था। तो खैर शरबत बना के मैंने साइड पे रख लिया है डेली की तरह, और जब अफ्तार टाइम करीब होगा तभी इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी और आइस क्यूब शामिल कर दूँगी। तो हया इन्हें यहाँ पे प्याज और आलू कट करके मुझे दे दिए हैं कि इन्हें जो है ना आप बारीक से कट कर दो कटर से। साथ में जो है ना बेसन का बैटर भी उठा लिया है, और इसमें जो है ना लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और सोडा शामिल करके पानी डालती रही और अच्छे से इसे मिक्स कर रही है, क्योंकि हमने आज फिर से जो है ना बड़ी वाली हरी मिर्च फ्राई करनी है। तो उसके लिए ये बैटर पहले अलग सा बनता है, और जब ये बच जाता है तो फिर हम इसे आलू प्याज कटे हुए जो है इसमें शामिल कर देते हैं। और यहाँ पे जोया जो है ना वो कल वाली चटनी हमने फ्रीज कर ली थी, ये बच गई थी ना, इसी में जो है ना 1 क्यूब और ये दही शामिल कर देगी और थोड़ी देर बाहर रखेगी तो ये जो है ना ठीक हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। यहाँ पे हया ने कढ़ाया लिया, कुकिंग ऑयल को गर्म कर दिया है, और अब हरी वाली मिर्चों में कट्स लगा दिया है। अब इसे बेसन में अच्छे से डीप कर रही है, और अब इसे एक एक करके गर्म कुकिंग ऑयल में डालती जाएगी और फ्राई करती जाएगी। यहाँ पर जो है ना भाई सब्जी लेकर आए, आलू ख़त्म हो गए थे, और ये 4-5 पत्ते मैं से जाऊँगी अच्छे से वॉश करने के। यहाँ पे जोया जो है ना खजूरें वॉश कर रही है। सारा फ्रूट वॉश करने का काम जो है ना जोया का है, तोड़ना नहीं अच्छा, एक एक पत्ता साफ कर मुझे। यह वन लास्ट वक्त से पूरा कर। तो जी वापस मैं आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ पे 3 हरी मिर्चें फ्राई हो गई है, बाकी की जो दो रह गई है ये भी फ्राई हो जाएगी। आज जो है ना हया ने कहा है कि मैंने पालक के पत्ते भी साथ में फ्राई करने हैं, एक्सपेरिमेंट करना है कि ये पत्ते फ्राई होके कैसे लगते हैं। अच्छे लगते हैं तो नेक्स्ट टाइम भी मैं फ्राई करूँगी, और अगर नहीं अच्छे लगे फिर हम फ्राई नहीं करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं दिखने में तो अच्छे ही लग रहे हैं, खाने में पता चलेगा कि सिर्फ पत्ता ही मुंह में आता है या जो है ना पकौड़ा भी फील होता है। ये तो मैं अफ्तारी में खाऊंगी, फिर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो पकौड़े कुक हो चुके हैं, इसे हम कुकिंग ऑयल से निकाल देते हैं, और इसी तरह करके बाकी जो पत्ते हैं उसे भी हम डीप करेंगे इस मिक्सचर में और फ्राई करते जाएंगे। और इसके बाद जो है ना बाकी जो बेसन बच चुका है इसे हम शामिल कर देते हैं आलू प्याज में और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और ये वाले पकोड़े बहुत जल्दी तल गए थे, और हम जब भी पकोड़े बनाते हैं तो उसे जो है ना खुले प्लेट में रख देते हैं, कवर नहीं करते। अगर आप ये सोच के कवर करेंगे कि ये जो है ना गर्म रहेंगे तो ऐसा नहीं होता, बल्कि उस पर वो पानी पसीना सा आ जाता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, क्रंची नहीं रहते। इस वजह से ना हया जो है ना पकोड़ों को हमेशा ओपन रखती है। और आज जो है ना टाइम का पता ही नहीं चला, इतना कोई जल्दी टाइम गुजर गया था, अब बस 2-3 मिनट ही रह गए थे। तो मैंने जोया से कहा बर्फ़ ला के दो, और यहाँ पे चीनी भी मेल्ट नहीं हुई थी, जल्दी जल्दी से मैंने चीनी मेल्ट की, टाइम देख सकते हैं आप। तो मैं आ चुकी हूँ रूम में, हया अभी तक जो है ना
खड़ी हुई है किचन में, और शरबत भी हमने डन कर दिया है, बाकी सारी चीज़ें डन हो गई हैं। लेकिन मेरे भाई जो है ना वो लेकर आए थे पालक काफ़ी लेट, इस वजह से पकौड़े अभी तक रेडी नहीं हुए। तो हम आवाज़ें दे रहे थे कि बस करो आ जाओ, अजाने हो रही है, रोज़ा मकरूह हो जाएगा। तो हया की रीति बस जो ये कढ़ाई में रह गए हैं इन्हें मैं निकाल देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ। दो तीन मर्च की नहीं, अदरक पानी, एक मिर्ची मेरी खाओ क्या मम्मा जी, पानी मारेगा हाँ। कुछ मेरा गंद पड़ा हुआ है कपड़े सीने वाला और कुछ मेरी बेटी का पड़ा हुआ है, ये देखो पूरे कमरे में फैला के बैठी हुई महारानी। तो फिर से मैं आ चुकी हूँ किचन में और ये कढ़ाई अभी गर्म है क्योंकि अफ्तार के बाद मैंने बाकी के पकौड़े तल लिए थे और अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ चाय। और भाई ने मुझसे कहा फेनिया बना दो, मेरे भाई को फेनी बहुत ज़्यादा पसंद है तो चाय भाई को नहीं पसंद। तो खैर फेनिया जो है ना हमारे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर अभी मैंने ज़्यादा फेनी बना ली तो जो पकौड़े बचे हुए वो ज़ाया हो जाएंगे, तो इस वजह से जो है ना बाकी जो है ना वो खा लेंगे पकौड़े और भाई के लिए बस थोड़ी सी फेनी बना लूँगी। चाय हमारी डन हो चुकी है, चाय जो है ना मैं अब्बू के कप में, अम्मी के कप में और अपने कप में निकाल देती हूँ क्योंकि हम तीनों को ही चाय पसंद है। और पकौड़े तो अभी काफ़ी सारे थे तो पकौड़े जो है ना बस सब जो है चटनी के साथ खा लेंगे। थोड़े से पकौड़े मैंने अलग कर दिए अपने और हया के लिए, अभी मैं चाय देने लगी हूँ अम्मी को और अब्बू को, तो उसके बाद फिर मैं वापस से आ जाऊँगी किचन में। और अब यहाँ पे मैंने अपनी चाय अलग रख दी है, यहाँ मैंने दूध गर्म होने के लिए रख लिया है, साथ में जो है ना इसमें शामिल कर दी है चीनी टेस्ट के हिसाब से, और जब दूध गर्म होने को आ जाएगा तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी फेनी। ये दूध ऑलरेडी भी गर्म था, मतलब हम इसे पहले गर्म कर चुके थे, दोबारा से फ्रीज़र में रख लिया था ना, तो इस वजह से अब इसमें हल्का हल्का जैसे बॉयल आने लगा मैंने इसमें फेनी शामिल कर दी है। अब ये थोड़ा कुक हो जाएगा तो फिर मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो चटनी जो है ना वो मैं अम्मी को देने जा रही हूँ और मैंने जोया को भी आवाज़ दी थी कि आप भी आ जाओ पकौड़े खा लो, भाई जो है ना नमाज़ पढ़ के आएंगे तो वो भी खा लेंगे। तो जी अब मैं अपना कप पकड़ूँगी और साथ में जो थोड़े पकौड़े हैं मैं और आया दोनों खाएंगे, उसके बाद फिर मैं कपड़े स्टिच करूँगी। तो वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ, आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, मुझे रखे दुआओं में याद, अपना रखे ख्याल। कल मिलती हूँ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।